छोटे से पुराने घर में सुरेश अपनी बहन खुशी के साथ रहता था। सुरेश बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसकी एक छोटी सी चाय की दुकान थी। उसी दुकान में वो खूब मेहनत करता था ताकि वो अपनी बहन की शादी खूब धूमधाम से कर सके। भैया, आप रात दिन लगे रहते हो दुकान में, अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। कम से कम टाइम से खाना तो खा लिया करो। अरे पगली, मेरी थकान और भूख प्यास तो तुझे देखते ही गायब हो जाती है। बस एक तमन्ना है, तेरी शादी किसी अच्छे घर में करूं और बड़े धूमधाम से करूं। वहां मेरी बहन रानी बनकर रहे, यहाँ इस घर में तुझे मिला ही क्या है। इस घर में मुझे अपने भैया का प्यार मिला है जो मेरे लिए बहुत कीमती है। जब देखो रुलाती ही रहती है, देखा फिर रुला दिया ना तूने मुझे। अच्छा, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दे। और हाँ, कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, उनके नाश्ते पानी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। दोनों भाई बहन बड़े प्यार से खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन खुशी को लड़के वाले देखने आते हैं, उन्हें खुशी पसंद भी आ जाती है। पर लड़के की माँ सुरेश को एक ओर ले जाती है और बोलती है, देखो हमें तुम्हारी बहन पसंद है, पर हमारी एक शर्त है, तभी हम बात आगे बढ़ाएंगे। आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है, बस आप मेरी बहन को अपने घर की बहू बना लीजिए। शर्त तो सुन लो पहले। शादी के दिन मुझे एक सूटकेस भरकर पैसा चाहिए, बिल्कुल भरा होना चाहिए, जरा भी खाली ना हो। और शादी के बाद जब तुम्हारी बहन पग फेरे के लिए हमारे घर आएगी तो उसे सोने के साथ लाद कर ही भेजना उसके ससुराल। बताओ, अब शर्त मंजूर है? कजरी की शर्त सुनकर सुरेश सोच में पड़ जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये तो दहेज में इतना सब मांग रहे हैं, इतना अच्छा घर और इतना अच्छा रिश्ता, मैं हाथ से जाने नहीं दे सकता। अभी तो मैं हाँ बोल देता हूँ, बाद में आधा आधा करके सब चुका दूंगा। पर मुझे ये बात खुशी से छुपा कर रखनी होगी, अगर उसे इस बारे में जरा भी पता चला तो वो ये शादी कभी नहीं करेगी। सुरेश कजरी को सब देने के लिए हाँ बोल देता है। शादी भी आ जाती है और अभी तक सुरेश ने जो जोड़ जोड़ कर रखा था सब इकट्ठा कर कजरी के हाथ में थमा देता है। अपनी बहन को सुरेश हंसी खुशी विदा कर देता है। दो दिन बाद राखी है और उसी दिन खुशी पग फेरे के लिए घर भी आएगी। उसे देने के लिए मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। ऐसा करता हूँ, मैं ये घर बेच देता हूँ, अगर कुछ कम पड़ा तो दुकान भी बेच दूंगा। सुरेश घर दुकान बेच देता है और खुद सड़क पर आ जाता है। अब उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। सुरेश हंसी खुशी हाथों में गहनों की पोटली लिए घर की ओर निकल पड़ा, पर रास्ते में एक कार उसे टक्कर मारकर चली जाती है, जिसमें सुरेश की मौत हो जाती है। ये तो कोई चोर मालूम पड़ता है। सही कहा, देखो ना उसके पास कितने सोने के गहने हैं जो वहाँ पड़े हैं। चोर को उसके किए की सजा खुद ही मिल गई। अरे भैया, हमें पुलिस को इसके बारे में बताना चाहिए। हाँ। थोड़ी ही देर में वहाँ पुलिस आ जाती है और वहाँ पड़े सुरेश को अपने साथ उठाकर ले जाती है। सुरेश मर तो गया था, पर वो मरने के बाद भूत बन गया था। मौत भी कैसी मिली है, मेरा यहाँ घर मकान सब खत्म हो गया और लोगों ने मुझे मरते ही क्या नाम दिया, एक चोर का। ये तो ऊपर वाला ही जानता है कि मैं चोर हूँ या नहीं। काश मरने से पहले एक बार अपनी बहन से मिल लिया होता, उससे राखी बंधवा ली होती। आज के दिन मेरी ये कलाई सूनी रह गई। वहाँ खुशी अपने भाई के घर पहुँचती है। भैया भैया, कहाँ हो आप? देखो मैं आ गई। अरे खुशी, किसे आवाज लगा रही हो, यहाँ तुम्हारा कोई भैया नहीं है। भैया नहीं है? आज के दिन वो कहाँ जा सकते हैं? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा भैया एक चोर है, हैं? चोरी करके भाग रहा था तो गाड़ी के नीचे आने से मर गया। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, मेरे भैया चोर नहीं हो सकते, वो कभी चोरी नहीं कर सकते, वो तो कितने ईमानदार थे। भैया भैया, आप कहाँ हो? देखो तुम्हारी बहन तुम्हें राखी बांधने आई है। आप सब झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकती।
मेरे भैया नहीं मर सकते। मैं आ रही हूँ भैया, आप कहीं भी हो मैं आपको ढूंढ ही निकालूंगी। हाथ में राखी और आंखों में आंसू लिए खुशी निकल पड़ती है सड़कों पर अपने भैया को ढूंढने। सड़क के बीचों बीच आते ही उसकी भी वैसे ही मौत हो जाती है जैसे उसके भाई की हुई थी। मरते ही वो चुड़ैल बन जाती है। मैंने तो हर राखी पर अपने भैया की लंबी उम्र की प्रार्थना की थी, फिर क्यों वो मुझे छोड़कर चले गए। भैया, अगर आप इस दुनिया में वाकई नहीं हो तो देखो, मैंने भी इस दुनिया को अलविदा कर दिया है। मैं भी मर चुकी हूँ, आपके बिना मैं कैसे जी सकती हूँ। खुशी अब एक चुड़ैल बन चुकी थी और सुरेश भूत, पर दोनों को ही पता नहीं था कि वो दोनों भूत और चुड़ैल बन चुके हैं। खुशी जरूर आई होगी मुझसे मिलने घर, मुझे राखी बांधने। मेरे घर ना मिलने से शायद वो वापस चली गई हो, उसे कितना बुरा लग रहा होगा आज मेरे घर ना मिलने से। एक बार खुशी को देख लूं बस, फिर कहीं दूर दूर चला जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। खुशी कहीं दिखाई क्यों नहीं देती? अब तो शाम होने को आई है, उसे तो अब तक वापस आ जाना चाहिए था। आखिर कहाँ गई होगी? घर में और कोई भी नहीं दिख रहा, सब कहाँ गए? वहाँ पूरा घर खुशी के अंतिम संस्कार में लगा हुआ था और भूत अपनी बहन को उसके ससुराल ढूंढ रहा था। वहाँ चुड़ैल अपने भैया के घर पहुँचती है और जमुना दास को वहाँ देख कर बहुत आग बबूला होती है। ये कौन है और मेरे भैया के घर में क्या कर रहा है? अभी बताती हूँ इसे, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? चुड़ैल, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो भाई, मुझे छोड़ दो। इस घर में क्या कर रहा है तू, निकल यहाँ से। ये घर अब मेरा है, मैंने इस घर की पूरी कीमत दी है भाई। क्या इसका मतलब ये घर बिक चुका है? पर क्यों? मुझे क्या पता, जिसने मुझे ये घर बेचा है उसी से जाकर पूछो और मुझे जाने दो। चुड़ैल बहुत गहरी सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसके भैया ये घर क्यों बेचेंगे। वो सोचते सोचते जा ही रही होती है कि रास्ते में उसे एक गरीब बच्चा रोता हुआ दिखाई देता है। चुड़ैल उससे जाकर पूछने लगती है, क्यों रो रहे हो और तुम्हारा घर कहाँ है? तुम चुड़ैल हो, मुझे खा जाओगी, कोई बचाओ बचाओ। शांत रहो बच्चे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। कुछ नहीं करोगी? मुझे खाओगी तो नहीं? पक्का नहीं खाओगी। अब बताओ क्या बात है? आज राखी है, मैं हमेशा पैसे जोड़कर अपनी बहन के लिए उपहार लाता हूँ, पर इस बार मैं भूल गया और अब मेरे पास मेरी बहन को राखी बधाई देने के लिए कुछ नहीं है। मैं अपनी बहन को बहुत प्यार करता हूँ। तुम अपनी बहन को बहुत प्यार करते हो ना, और तुम्हारी बहन तुम्हें, इसलिए आज तुम राखी बंधाई पर अपनी बहन को ढेर आशीर्वाद देना, उसे हमेशा खुश रखने का। देखना, उससे अच्छा उपहार उसके लिए हो ही नहीं सकता। सच में वो खुश हो जाएगी? हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। एक बहन के लिए इससे अच्छा उपहार हो ही नहीं सकता। भैया आप कहाँ हैं? शाम ढलने को आई पर आप मुझे कहीं नहीं दिखे। चुड़ैल हार कर अपने ससुराल की तरफ जा ही रही होती है कि उसे घर के बाहर एक भूत खिड़की से झांकता हुआ दिखाई देता है। ये तो कोई भूत मालूम पड़ता है, पर ये मेरे घर की खिड़की से क्या झांक कर देख रहा है? अभी बताती हूँ। ए भूत, तू यहाँ क्या कर रहा है? देख, मैं तुझसे डरने वाली नहीं, इसलिए तू यहाँ से चुपचाप चला जा। चला जाऊंगा, बस एक बार अपनी बहन को देख लूं, फिर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तुम्हारी बहन यहाँ रहती है क्या? कौन है तुम्हारी बहन, बताओ जल्दी। खुशी, मेरी बहन का नाम खुशी है। मैं कितना बदकिस्मत हूँ जो आज के दिन अपनी बहन से राखी नहीं बंधवा पाया। खुशी सब बता देती है कि वो एक चुड़ैल कैसे बनी, और भूत भी बता देता है कि वो कैसे मरा। दोनों घर के बाहर खड़े होकर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी चुड़ैल अपनी सास को बात करते हुए सुन लेती है कि उसने खुशी की शादी में उसके भाई से ढेर सारा सोना मांगा था। उसी शर्त को पूरा करने के लिए उसके भाई ने घर दुकान सब बेच दी। मुझे माफ कर देना खुशी, मैं इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहता था। भैया, पूरी दुनिया में तुमसे अच्छा भाई कोई हो ही नहीं सकता। चुड़ैल अपने भैया को राखी बांधती है और